हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देसी आयुर्वेदिक इलाज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार नुस्खा लेकर के आया हूँ दबी हुई नस का इलाज के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इसके लिए दूध में 6 से 7 बूंद मालकंगनी के तेल डाल करके आपको पीना है, और इसी मालकंगनी तेल से आपको मालिश भी करनी है। हाँ दोस्तों, इससे आपको बहुत राहत महसूस होगी। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक दवाई बनानी होगी जो एड़ी से सर तक की सारी बंद नसें, जो ब्लॉक वाली नसें ब्लॉक हो गई हैं दोस्तों, उनको खोलने के लिए हमको एक दवाई बनानी है, जिसमें सबसे पहले हमें चाहिए होगी काली मिर्च। हाँ दोस्तों, काली मिर्च हमको लेनी है 50 ग्राम, और इसके बाद हमको लेना है तेज़ पत्ता दोस्तों हमको लेना है, वो भी 50 ग्राम। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो दालचीनी है, दालचीनी दोस्तों हमें कम लेनी है, दालचीनी हमें लेनी है सिर्फ 20 ग्राम दोस्तों। इसके बाद हमको लेना है अलसी, अलसी के बीज लेना है दोस्तों 50 ग्राम, और इसके बाद हमें इसमें मिश्री मिलानी है दोस्तों, मिश्री ही मिलाना, इसमें आप शक्कर वक ना मिलाना, इसमें कोई और चीज़ ना मिलाना, इसमें मिश्री मिलाना। लेकिन मिश्री भी आपको इसमें धागे वाली, जो डेली वाली आती है मिश्री, आपको वही इसमें मिलानी है, और मिश्री हमें इसमें मिलानी है 50 ग्राम, और इसमें हमें मगज मिलाने हैं 50 ग्राम। इन सबको बारीक पाउडर बना करके इसको आपको 1 चम्मच हमें खाली पेट सुबह में या रात में हमें ये लेना है गुनगुने पानी के साथ, और हमें इसको खाने के बाद 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, ना 2 घंटे पहले ना 2 घंटे आगे, ऐसे खाइएगा। और इसको आप 7 दिन खा के देखिए, और आप अपना रिज़ल्ट देखिए, आपकी सारी नसें खुल जाएंगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, फिर मिलेंगे, बाय।